दिया कि आज के एपिसोड में किडनैपर प्रज्ञा को डराते और धमकाते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हें जान से मार देंगे। प्रज्ञा उन्हें कहती है कि मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन वो प्रज्ञा को नहीं जाने देते। इतने प्रज्ञा वहाँ से भाग जाती है और पीछे जाके कहीं छुप जाती है। इतने में प्रज्ञा उनको ये कहते हुए सुनती है कि इस फैक्ट्री से बाहर जाने का रास्ता फिर हमें पता। दूसरी तरफ मीडिया अतनु और अभी की शादी के बारे में रिपोर्टिंग कर रहा होता है। दूसरी तरफ आलिया निखिल को तनु की माँ से इंट्रोड्यूस करवाती है। दूसरी तरफ अभी प्रज्ञा का वेट कर रहा होता है और सोचता है कि अभी तक प्रज्ञा क्यों नहीं आई। इतने में वो पूर्व को कॉल करता है और पूछता है कि प्रज्ञा कहाँ है, जिस पर पूर्व कहता है कि मुझे नहीं पता प्रज्ञा कहाँ है। अब तुम प्रज्ञा की क्यों फिक्र हो गई, तुम तो शादी तनु से कर रहे हो। अभी बहुत वरिड होता है कि प्रज्ञा कहाँ गई है। इतने में मीडिया तनु और अभी को एक साथ आने को कहती है ताकि वो उनकी तस्वीरें खींच सकें। दूसरी तरफ तनु अभी के पास आती है और कहती है कि और डांस करो, जिस पर अभी कहता है उसे डांस नहीं करना। लेकिन जिस पर तनु आलिया से कहती है कि अभी डांस नहीं कर रहा। आलिया अभी को तनु के साथ डांस करने के लिए मनाती है। इतने में अभी और तनु डांस कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ प्रज्ञा अभी को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन अभी अपना फ़ोन टेबल पर ही भूल जाता है और वहाँ तनु के साथ डांस कर रहा होता है। इतने में प्रज्ञा पूर्व को कॉल करती है और पूर्व को इस बारे में बताती है। पूर्व प्रज्ञा की किडनैपिंग के बारे में सुनकर शॉक हो जाता है और वो प्रज्ञा से कहता है कि आप वहीं छुपे रहो और मुझे अपनी लोकेशन के बारे में बताओ, मैं आपको बचाने आता हूँ। दूसरी तरफ अभी तनु डांस कर रहे होते हैं और अभी डांस करते हुए प्रज्ञा के बारे में सोच रहा होता है। अभी सोचता है कि वो डांस तो तनु के साथ कर रहा है, लेकिन वो प्रज्ञा के बारे में क्यों सोच रहा है। इतनी सोच ही सोच में अभी तनु के पाँव पर पाँव रख देता है, जिस पर तनु चिल्लाती है। दूसरा गुंडे प्रज्ञा को पकड़ लेते हैं और उसे कुर्सी से बांध देते हैं और गुंडे प्रज्ञा को फ़ोन तोड़ देते हैं। दादी सोचती है कि अभी तक पूरा प्रज्ञा को क्यों नहीं ढूंढ पाया। इतने में दासी वहाँ आती है और दादी को बताती हैं कि अभी ने प्रज्ञा पर बताती हैं कि अभी ने तनु के पाँव पर पाँव रख दिया। ये सुनकर दादी हंसती हैं। अब देखना ये होगा कि क्या पूरा प्रज्ञा को किडनैपर से बचा पाएगा। आपको क्या लगता है हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। हिट लाइक एंड सब्सक्राइब क्लिक्स टीवी फॉर डेली कुमकुम बगिया न्यूज़ एंड अपडेट्स।